हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल हॉल, जो सारे आइटम्स मिंत्रा से है। साथ ही साथ मैंने ज्वेलरीज भी खरीदी हैं, वो सारे आपको लुकबुक में मिलेगी और शेयर करूँगी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लिंक्स के लिए वहाँ पर क्लिक कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए, ये लुकबुक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लहंगा मैंने पिक करा है गाइज, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, जिस पे लहंगा चोली और दुपट्टा मिल रहा है। करंट इसका प्राइस 2499 है, बट मैंने इसमें सेल पे 1700 रुपीज़ में ली थी। टिकी इमली ब्रांड से है ये। ब्लाउज फैब्रिक पॉली सिल्क है, लहंगा फैब्रिक पॉली सिल्क का, लहंगा इनर लाइनिंग सैटिन है। सो यहाँ पे आपको जो फ्लेयर दिख रही है आप अपने वेस्ट पे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पर वन साइज ही अवेलेबल है। सो प्लीट्स बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेन्जा ऊपर का मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा फुली फुली सी ये है। बैक भी आप देखोगे तो प्लीट्स बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप क्योंकि आपको वेस्ट पे एडजस्ट करना है तो ये और ज़्यादा यू नो केन केन लगता है कि आपने ऊपर से नीचे तक को लहंगे में मिली है। तो केन केन पूरी फुल नीचे को मिल रही है, अंदर की सैटन मटेरियल है एंड केन केन के ऊपर नीचे दोनों एक कपड़ा दिया हुआ है कि आपको नीचे से कोई भी इचिंग प्रॉब्लम ना हो। दुपट्टे की विथ लेंथ देख सकते हो, बहुत प्यारी है, चारों कोने पर लेस लगी हुई है और प्रिंटेड दुपट्टा है गाइज। और इसके साथ ये चोली मिल रही है जिसका कट सामने से कुछ इस तरीके से है और बैक में कुछ फुल है, लाइक हाई लोक टाइप ये चोली है। स्लीव्स थोड़ी लूज वाली है, जो स्लीव्स मुझे बहुत पसंद नहीं आई, और पीछे को भी मिरर वर्क करा हुआ है, फ्रंट को भी करा हुआ है। तो चोली बहुत ब्यूटीफुल है, इनर लाइनिंग के साथ है, बट जो उसका कट है वो मुझे पसंद नहीं आई। सो ज्वेलरी मैंने नई खरीदी है रेड वाली लहंगी इसके लिए, करवा चौथ लुक बुक के लिए, लाइक हॉल के लिए। एंड ये बैंगल्स मेरी खुद की हैं तो इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। और आप चाहो तो एक्सेसरीज कम कर सकते हैं, क्योंकि ये करवा चौथ लुक बुक है तो एक्सेसरीज मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो चोली आप देख सकते हो ऐसा दिया हुआ है, जैसे पहनकर आप थोड़े मोटे लगोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो लहंगा उसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा, प्लीट्स ऊपर से बनी है प्लस ऑर्गेन्जा मटेरियल है, इस वजह से। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि स्लीव्स को ना फिटिंग करा लो और या तो फिर नीचे से क्रॉप करा लो, तो दोनों में से एक चीज़ करोगे तो ब्लाउज बहुत प्यारी लगेगी। सो कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्टाइल करा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप कुछ करवा चौथ में ऐसा पहनना चाहते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लहंगा है। नीचे को आप देखोगे पूरी प्रिंट ही बनी हुई है, कोई भी पट्टी या लेयर नहीं दी हुई है, बस जो किन किन है इनर लाइनिंग में है। तो पहनने पे भी ये काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे, बस ब्लाउज थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। विथ लेंथ भी बहुत प्यारी है एंड प्राइस बहुत अच्छी प्राइस है, मुझे 1700 या 1600 में मिली है गाइस। सो इस पे ना इस ब्रांड पे सेल लगते रहती है, सो वेट कीजिए, एक दो दिन में अगर कम होता है तो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ग्रीन एंड रेड का जो डेडली कॉम्बिनेशन है किसी वेडिंग पार्टी में भी बहुत प्यारी लगेगी। और कुछ इतनी घेर है लहंगा की, सो कैसी लग रही है कॉमेंट पर ज़रूर से बताना। नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश ग्रे एंड रेड कॉम्बिनेशन का लहंगा। सो इसका ब्लाउज है एंड ब्लाउज में आपको पैटर्न मिल रही है कुछ इस तरीके से कट है। सो सेमी स्टिच ब्लाउज है ये, सिल्वर शाइनिंग आपको होल ब्लाउज में मिल रही है और आपको कुछ इस तरीके से लाइक ओपन नज़र आ रहा कुछ ऐसा है। सो स्टिच कराना पड़ेगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और इस पर एक बेल्ट भी पीछे को मिल रही है, वन साइज अवेलेबल है। ये भी मुझे 1700 रुपीज़ की मिली है, करेंट इसका प्राइस सेम चल रहा है गाइस। सो सेल जब चलती है तो जल्दी से ग्रैब कर लो इस ब्रांड तीखी इमली के जो लहंगाज होते हैं। सो इसका लहंगा जो है रेड ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन का है, इनर लाइनिंग के साथ है, पॉलिएस्टर मटेरियल, ये लाइक्रा काइंड ऑफ मटेरियल है गाइस, बहुत फ्लोई नहीं है। सो इस पे आपको ना डबल लेयर केनकेन मिल रही है, लाइक लहंगे के ऊपर वाले में एक ब्रॉड कपड़े टाइप का है, देन अंदर आपको केनकेन मिल रही है। अगेन कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का केनकेन का है, ऊपर नीचे आपको कपड़े का सपोर्ट भी मिल रहा है कि किसी तरीके से ना इचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं हो। और इसका दुपट्टा फुल रेड कलर का है जो बहुत ब्यूटीफुल है, चारों कोने पर आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल रही, नेट का दुपट्टा है और पूरे रफल्स बने हुए हैं चारों कोने पे। तो पहनने के बाद ये लहंगा बहुत प्यारा लगा। इस पे जो मैंने ज्वेलरी डाली है ये मैंने अभी तुरंत लाइक लेटेस्ट खरीदा है, साथ में ही मैंने इसे मंगाया, बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइज। एंड इसको स्टाइल करा है मैंने रेड ऐसे ये रोजेस के साथ, जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इनसे। और जो आपको लहंगा सॉरी जो चोली दिख रहा है उसको मैंने पिन लगा के एडजस्ट करके यहाँ पे आपको दिखाया है, स्टिच नहीं कराया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था स्टिच कराने का, उसमें टाइम लग जाता। सो अगर आप चाहो तो अपने फिट
स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग स्टिच कराओ, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मिंत्रा के पेज में अच्छे से देख सकते हो, आपको वहाँ पे भी समझ में आ जाएगी। दुपट्टे की विथ लेंथ बहुत अच्छी है, जो मेरे पास जो बैंगल्स मैचिंग अवेलेबल थी मैंने उतनी पहनी है। रेड मेरी बैंगल्स इधर उधर हो गई, अगर रेड होती ना मेरे पास और तो बहुत ज़्यादा, 4 दर्जन तो मैं रेड बैंगल्स इस पर पहनती, तब ये लुक और मज़ेदार होता। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ गाइज, बहुत ब्यूटीफुल है। इस करवा चौथ पहनो, दिवाली पहनो, किसी की वेडिंग में पहनो, बहुत प्यारी लगेगी। आप सामने से देख सकते हो कि जो शाइन है ना लहंगे की, बहुत ज़्यादा बहुत खिलकर आ रही है। बस वही थोड़ा एक प्रॉब्लम है, ये लाकरा काइंड ऑफ मटेरियल है तो ऊपर को थोड़ा चिपक जाएगा, बट नीचे से फ्लेयर काफ़ी दी हुई है तो वो अच्छी लग रही है। मतलब ओवरऑल लुक देखोगे तो बहुत अच्छी लग रही है। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। और ज्वेलरी को तो मैं 200% रिकमेंड कर रही हूँ, इतनी प्यारी ज्वेलरी है ये और इतनी अच्छे से जा रही है इस लहंगे के साथ। सो अगर आपको भी ऐसे ज्वेलरीज पहनना पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से ग्रैब कर लो, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइज 1 मिनट साड़ी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस की साड़ी है। इसका फैब्रिक सैटिन है, कुछ इस तरीके से 1 मिनट साड़ी है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं जिसपे आप हुक लगा सकते हो अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्लाउज वैसे तो लिखा हुआ है कि आपको सेमी स्टिच ब्लाउज मिलेगा, बट मुझे अटैच ही मिला है साड़ी पे, प्लेन ब्लाउज मुझे मिली है गाइज, अटैच साड़ी पे ही बनी हुई है। सो प्लीज कुछ ऐसे बने हुए हैं, बस आपको घुमाना है, पिन लगाना है और पल्लू लेना है और आप रेडी हो ऐसे साड़ी को रॉक करने के लिए। जिनको प्लीज बनाना पसंद नहीं है ये साड़ी, जिनको पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मुझे मिली है 1500 रुपीज़ में, अभी मिंत्रा सेल पे मैंने ली है। इसके साथ ये बेल्ट आ रही है यार, ये बेल्ट आ रही है, कपड़े की बेल्ट है ये, और उस पर छोटे छोटे से गोल्डन से राउंड से ये शिप लगी हुई है, और उस पर मैंने बैंगल्स नहीं डाले क्योंकि मेरे रेड बैंगल्स मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। तो ये कड़ा डाला मैंने, जो मैंने सरोजनी मार्केट में 200 रुपये में ली थी, बहुत पहले की है ये। और ये सेट भी मैंने न्यू बाय की है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये लुक को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रखा है गाइज, आप चाहो तो बिंदी सिंदूर ऐसे पार्टीशन करके, जैसे भी हेयर स्टाइल आपको सूट करती है वैसे डालकर आप स्टाइल कर सकते हो। ये ब्लाउज अमेजोन से है, इंडिया ब्रांड से, अगर मिंत्रा पे इसकी लिंक मिलती है तो वो भी मैं दे दूंगी या फिर अमेजोन के दे दूंगी। सो चलने पे भी बहुत कंफर्टेबल है, बस नीचे को थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइज, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में कि जो फ्लोर टच हो रही है, बट चलने में प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। मुझे बहुत प्यारी ये साड़ी लगी, इतना ईजी ब्रीजी है और रेड सैटिन इतना प्लेन सिंपल एलिगेंट इतना ब्यूटीफुल है कि मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये पिंक एंड येलो लहंगा चोली। इस पे आपको रेडीमेड ब्लाउज मिल रही है, लहंगा मिल रही है एंड दुपट्टा मिल रहा है। सो ये सिल्क आर्ट सिल्क मटेरियल इसमें आपको मिल रही है, दुपट्टे बनारसी की है, देख सकते हो आप, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड लहंगा की बैक बहुत सेक्सी है, बहुत ब्यूटीफुल है चोली की। सो चोली में आपको 3/4 स्लीव्स मिल रही है गाइज, एंड इस पर पूरा फुल मिरर वर्क करा हुआ है फ्रंट पे और बैक पे, और देखने में आपको स्कर्ट लगेगा ना कि पूरा मिरर वर्क करा हुआ है, बट स्कर्ट पे सिर्फ और सिर्फ काम है, प्रिंटेड काम है, कोई भी वर्क मिरर का नहीं करा हुआ है, सिर्फ चोली पे मिरर वर्क करा हुआ है। उसको मैंने हेवी ज्वेलर्स के साथ स्टाइल करा है क्योंकि देरी हो करवा चौथ लुक बुक, आप चाहो तो ज्वेलरी कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से उसकी ब्लाउज आती है, ये भी मुझे 1500 रुपीज़ की मिली है, इतनी अच्छी डील चल रही थी मिंत्रा पे, अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई हो रखी है। सो इस पे मैंने रेड एंड से मैचिंग बैंगल्स डाले हैं पिंक एंड येलो, और इसका बनारसी दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इस पे मैंने बिंदी नहीं लगाई, आप चाहो तो बिंदी भी वेयर कर सकते हो। तो स्कर्ट देखो गाइस, आर्ट सिल्क मटेरियल है, देखने में दूर से आपको लग रहा है ना कि मिरर वर्क करा हुआ है, बट एक्चुअल में ये कपड़े में ही प्रिंट है, तो ये चीज़ इसकी बहुत पसंद आई। एक तो सस्ती टिकाऊ लहंगा सिर्फ 1500-1600 के बीच में मिली है, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है हेवी ज्वेलरीज डालने के बाद कि मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर करवा चौथ में पहनना चाहते हो रेड से हटके कुछ डिफरेंट कलर तो परफेक्ट है। इनर लाइनिंग के साथ आ रही है, हाँ लहंगे की फ्लेयर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, स्टैंडर्ड फ्लेयर है, ना कम है ना ज़्यादा है, और दुपट्टे की विंथ लेंथ भी बहुत अच्छी है। बनारसी की जो दुपट्टे की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ बुरी भी नहीं है, एवरेज क्वालिटी है दुपट्टे की। सो कैसी लगी आपको आप मुझे कॉमेंट में बताओ, मैं इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट लास्ट मैंने पिक करा है राइस चोली लहंगा एंड दुपट्टा, ये मुझे मिली है 1599 रुपीज़ की, और ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, जल्दी से ग्रैब कर लो, बहुत ही कम सा पीसेज अवेलेबल है। एंड प्योर कॉटन इसका मटेरियल है दुपट्टा का, लहंगा ब्लाउज विस्कोस रेयन है, सो वीनेक के साथ है। इस पर आपको पिंक कलर की पाइपिंग मिल रही है, एंड इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसकी स्लीव्स है, लाइक अलीफ लैला काइंड ऑफ स्लीव्स इसकी दी हुई, बहुत प्यारी स्लीव्स है गाइज। एंड इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, जो फिटिंग बैटरी है ना स्लीव्स की और नेकलाइन की परफेक्ट है,
है, परफेक्ट चोली है, स्कर्ट का जो साइज़ है वो भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, पूरे ऑल ओवर कुर्ती, सॉरी कुर्ती वो उन्हीं की आदत सी हो गई है। सो चोली और लहंगे में पूरी ऑल ओवर आपको गोल्डन फॉल प्रिंट मिल रही है। फॉल प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी ये सेट है। ये दुपट्टे में आपको ऐसे गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल रही है, और ये जो डिज़ाइन है ना ये सिर्फ फ्रंट में मिल रही है ऐसे क्रॉस वाली, और चारों कोने पर टैसल लगे हुए हैं। और बैक दुपट्टे में आपको प्लेन लाइक चारों कोने में जैसे गोटा पट्टी होती है बस उतनी है। तो स्ट्राइप्स वाली ये पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन का दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हाईली रिकमेंड करूँगी गाइस, जल्दी से ग्रैब कर लो। प्राइस भी बहुत अच्छा है, और कुछ डिफरेंट कलर अगर पहनना चाहती हो इस करवा चौथ तो परफेक्ट कलर है येलो पिंक का कॉम्बिनेशन। इस पर मैंने मरून कलर का सेट डाला है जो अमेजोन से, उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो कैसी लगी आज का हॉल कॉमेंट में ज़रूर से बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, सपोर्ट करो। और इस लहंगे में इनर लाइनिंग नहीं है, रेयन मटेरियल है, बट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है आप देख सकते हो। सो कॉमेंट ज़रूर से करना कि कैसी लगी।